आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फूड बिजनेस रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन की आरओआई के बारे में। आरओआई क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हैं और बैंक हमें ब्याज के तौर पे कुछ पैसा देता है, करंट सिनेरियो में 6% है, एक्चुअली में 6 से भी कम है, तो कहने का मतलब है कि एक साल के बाद बैंक आपको 1,06,000 रुपये दे देता है। और अगर मैं बात करूँ मेरा ये पैसा कब डबल होगा या कितने समय लग जाएगा, तो 6-7 साल करीब लग जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली फूड बिज़नेस कर रहे हैं, और ये बहुत ही एक तरीके से रिस्की बिज़नेस है, तो हमें पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि भाई एक साल में मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कितना परसेंट रिटर्न आएगा। बैंक के अंदर 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। दूसरा, इस टॉपिक को बनाने से पहले लगभग 4 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। मैंने इंटरनेट पर खासकर YouTube के ऊपर सर्च करा, इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है। मैक्सिमम वीडियोस जो भी मिलेंगे आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए कि किस प्रकार से स्टार्टअप करें, क्या स्टार्टअप होता है, बट जो बैकएंड की चीज़ें होती है या जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना बहुत ही एक बड़ा अमाउंट लगा रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश है इस तरीके के टॉपिक्स के द्वारा आप लोगों को अवेयर करने की। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को प्रोवोक नहीं किया जा रहा है कि इसने 10 लाख कमा लिए, उसने 20 लाख कमा लिए, ठीक है जी। तो बैकएंड की चीज़ें बताई जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बैंक में मैंने पैसा रखा तो भैया वो 7 साल में डबल हो गया है, ठीक है, और मैंने रेस्टोरेंट खोला तो कितना मुझे परसेंटेज आना चाहिए। जो एक अच्छी परसेंटेज है हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मैं बोलता हूँ भैया 15% है, ठीक है। 15% अगर आप एक साल में कमा पा रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। किसी मंथ में आपकी जो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा, किसी मंथ में आप माइनस में जाओगे, हो सकता है कि पहले ईयर में बिल्कुल ही माइनस में चले जाओ, कुछ भी हो सकता है, बट ये कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे प्रॉपर फार्मूले भी दिए गए हैं, सही ढंग से समझाया भी गया है, एग्जाम्पल ही है सिर्फ यहाँ पे, बट आप पेन और कॉपी के साथ ये कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने एक साल में कितने कमाया है। यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है जी, गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि भाई आपको ये लिखना है कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि हर महीने मैं 40,000 कमा रहा हूँ, एक महीने मैंने 40,000 कमाया, दूसरे महीने में मैंने 20,000 कमाया, तीसरे में मैंने कुछ कमाया ही नहीं या माइनस में मैं चला गया हूँ, तो पूरे एक साल का मुझे कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि हम ये साल भर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया, इसमें से मैं माइनस करूँगा, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करूँगा, घटाऊँगा क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीज़ें मेरी आ रही हैं, यहाँ पे मेरी स्टार्टअप की कॉस्ट प्लस मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, जो शुरू में मैंने पैसा लगाया है, चाहे वो 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, कितना भी लगाया है, और मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कि हर महीने मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा खर्चा हो रहा है, चाहे वो फूड कॉस्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है, चाहे मेरी मैन पावर के ऊपर है, रेंट के ऊपर है, वो सारा का सारा दोनों को मैं प्लस करके यहाँ पे आपस में इसे माइनस कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम यही है हमारी स्टार्टअप कॉस्ट प्लस हमारी यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मैं उसको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक परसेंटेज आ जाएगी जिससे कि मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे कितना पैसा मिल रहा है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो आपको 12-15% का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से आप स्टॉक्स में लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो वो भी रिस्क है, ठीक है, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक रखते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सेम उसी प्रकार से बिजनेस भी है, बैंक में आपका जो पैसा रहता है वो तो सिर्फ उसको कुछ परसेंटेज मिल पाता है, बट जब आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ से आपका एक ब्रांड भी बिल्ड होता है, ठीक है। उस ब्रांड के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप देखोगे जो ये इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा, आप मैं बोलूँ कि भाई दुगनी तिगनी भी हो जाती है या उससे भी ज़्यादा हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो कॉस्ट की जो परसेंटेज आ जाएगी, एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल नंबर्स लिए हैं, सिर्फ इसलिए ही लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, भाई एक साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने लिखा कि भाई मुझे यहाँ पे एक साल में 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हर महीने मेरे खर्चे निकालने के बाद मैं महीने 20,000 बचा लिए, किसी महीने में 70,000 कमा लिया, 5 लाख मैंने बचा लिया।
इसके बाद यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा अपने 4 लाख से। 4 लाख क्या है मेरी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, मैंने जो स्टार्टअप में कॉस्ट करी थी, और हर महीने मेरी एक ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे 10-15 हज़ार रुपये मैं खुद ही स्टार्टअप कर रहा हूँ, फिगर्स हैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, मैंने 4 लाख ले लिए हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाता है, मेरा 1 लाख यहाँ पे आ जाता है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा फिर से अपने 4 लाख से, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाता है 0.25% आता है, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाता है 25%। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए होते तो मेरे को कितने मिले होते, ठीक है जी, मेरे को उसका 25% मतलब 25,000 रुपये मिला होता, ठीक है। ये बहुत ही एक बढ़िया फिगर है, जस्ट ये एग्जाम्पल ही है, आप अपने नंबर्स के साथ उसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और एक अच्छा अगर मैं बोलूँ, एक साल में अगर आपको 15% आपको रिटर्न मिल रहे हैं आपके रेस्टोरेंट बिजनेस के ऊपर, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और उससे भी ऊपर हो जाता है, 25% आ जाता है, 20% आ जाता है, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ROI निकाल के अपने आप को जज कर सकते हैं कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूं या मैं बुरा कर रहा हूं। हो सकता है कि आपकी ROI माइनस में भी चले जाए, ठीक है जी, हो सकता है माइनस में भी चले जाए, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ भी फायदा ना हो रहा हो, आप अपनी जेब से वहां पे पैसा डाल रही हो, बट आपको कैलकुलेट तब भी करना है ताकि आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उन सब के बारे में आपको मालूम पड़े। तो कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, ROI कैलकुलेट कीजिएगा। इसके अलावा इस तरीके की वीडियोस अगर आपको चाहिए या इस प्रकार के टॉपिक्स आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।